हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम सभी लोग सीखेंगे ईवीएस की एक नई टॉपिक जो है ट्रैफिक लाइट, क्योंकि ट्रैफिक लाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आप वहाँ पे जाओगे इंटरव्यू देने और उसके बाद एग्जामिनर अगर आपसे पूछें कि आप तो आए होंगे, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहोगा, तो आपने वहाँ पे क्या देखा, तो ट्रैफिक में क्या देखेंगे, ट्रैफिक लाइट्स देखेंगे, बहुत ढेर सारे जैम्स होंगे उसको देखेंगे है ना, लोग आपस में इधर उधर भागते हुए रहेंगे, रोड क्रॉस करते हुए रहेंगे, ये सब तो देखेंगे। तो बोलेंगे कि अगर आपको ट्रैफिक लाइट बच्चों को एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को बच्चों को कैसे समझाएंगे और कौन कौन सी सावधानियाँ बच्चों को बताएंगे, आप उनको बताइए। तो हम तो उनको बच्चे मान लेंगे इंटरव्यूज जो रहेंगे है ना, और उनको बच्चे मान के ही ट्रैफिक लाइट को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट से स्टार्ट करेंगे, आप सभी लोगों को पता है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, हाउ आर यू, ऑल गुड, स्टार्ट करें आज की क्लास है ना। तो सबसे पहले हम लोग डेट डालेंगे, तो डेट मेंशन करें। ओके, सो व्हाट इज द डेट टुडे, टुडे इज 24 मार्च 2023 और हम लोग सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे, सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ओके, तो आप अब लोग हमको बताइए कुछ बातें है ना, क्योंकि आप सभी लोग आए हो, किसी ने किसी चीज से आए हो है ना, किसी व्हीकल का यूज करके आए हो, तो आपने क्या देखा रास्ते में हमको बताइए। तो आप बस से आए हो ना, तो पहले आप बताइए आप क्या देखे रास्ते में आते हुए। आज तो आपकी बस भी लेट हो गई है ना, क्यों ऐसा हुआ, आपने क्या देखा कि कुछ लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं और एक्सीडेंट। ओके, तो बहुत बुरा हुआ ना, ठीक है। आप बताइए, आप तो पैदल आते हो, आप कौन सी साइड चलते हो, लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड चलते हो तो कुछ तो बात होगी जो लेफ्ट साइड चलते हैं, क्योंकि हमें हमेशा अपने उल्टे साइड चलना चाहिए ना, क्योंकि जो गाड़ियां होती हैं, जो व्हीकल्स होती है, वो तो राइट साइड में चलती हैं है ना, चलती है ना हम लोग के, तो हम लोग को साइड में चलना चाहिए, ठीक। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर है हम लोग का ट्रैफिक लाइट है ना, ट्रैफिक लाइट। ओके, तो हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रैफिक लाइट, और इसमें आप लोग हमको बताएंगे कि ट्रैफिक लाइट में कितने कलर्स होते हैं, हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द ट्रैफिक लाइट। यस यू राहुल, हाउ मेनी कलर्स, फोर कलर्स, हाउ, कैसे फोर कलर्स बेटा, फोर कलर्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट श्रेया आप बताइए, हाउ मेनी कलर्स, थ्री कलर्स, यस हाउ मेनी कलर्स, थ्री कलर्स, वन टू एंड थ्री, रेड कलर, ओके, नेक्स्ट वन येलो कलर, ओके, एंड नेक्स्ट वन ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर। और सबको पता है ट्रैफिक लाइट का सिंबल कैसे है? ऐसे ना बनता है, ट्रैफिक लाइट कैसे बनती है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ना, सीधा कर लेते हैं, ठीक। ट्रैफिक लाइट थ्री लाइट्स अभी हम लोगों ने देख लिया है ना, और कुछ इस तरीके से ट्रैफिक लाइट रहती है, और इसके साइड में ऐसे करके ऐसे ऐसे बना रहता है, किसी ने देखा है क्या, किसी ने देखा है, ऐसे ही होता है लास्ट में है ना। तो ये है ट्रैफिक लाइट, और आप लोग समझ लीजिए ये हो गया रेड, ये हो येलो एंड ग्रीन है ना। तो अब आप लोग हमको बताइए कि ये सिंबल्स क्या इंडिकेट करते हैं, किसी को पता है, सिर्फ एक लाइट का पता है, कौन सी लाइट, रेड लाइट। ओके, रेड लाइट क्या हमको बताती है कि हमें क्या करना है उस वक्त, स्टॉप, यस रेड लाइट इंडिकेट्स स्टॉप, हमको क्या करना है, रुक जाना है, हो सकता है कोई क्रॉस कर रहा हो रोड, हो सकता है बहुत ज्यादा जाम हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो है ना, हो सकता है कोई ट्रेन जा रही हो, कुछ भी हो सकता है, तो हमको क्या करना है, अगर रेड लाइट है तो हमें क्या करना है, वहां पे स्टॉप कर जाना है। ओके ओके, येलो लाइट, डोंट नो, नो हम बताते हैं, येलो लाइट मीन्स क्या, रेडी टू गो, रेडी टू गो, इसका मतलब है कि हमको रेडी हो जाना है जाने के लिए, अभी जाना नहीं है बस रेडी होना है ना। जैसे स्कूल आने के लिए मॉर्निंग में आप लोग रेडी होके बैठे रहते हो, और जब आपकी स्कूल बस पहुंचती या फिर आपके गार्जियंस बोलते हैं चलो बेटा, फिर आप चलने लगते हो है ना। तो उसी तरीके से हम लोग की येलो लाइट क्या इंडिकेट करती है कि रेडी टू गो, आपको तैयार रहना है, ठीक है, जैसे ही हटेगा वैसे आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। येलो लाइट अगर आपको दिखी, रेड लाइट इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप,
कैरोलाइन इट मीन्स यू हैव टू रेडी टू गो, है ना, आपको सिर्फ रेडी होना है जाने के लिए आपको वहां पे, ये नहीं कि कैरोलाइन देखे अरे हमको तो गो याद आ रहा है चलो चलते हैं, ऐसा नहीं करना। इसका मतलब होता है येलो लाइट का कि आपको रेडी हो जाना है लेकिन चलना नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट मीन्स अब आपको चलना है, रेडी का मतलब हो जाता है गो, है ना, जाइए आप, जाइए, जाने से पहले तैयार होना पड़ेगा, है ना। तो येलो मीन्स रेडी टू गो एंड ग्रीन मीन्स गो, आप जाइए, ठीक है। तो ये लाइट सबको समझ में आई, ये देखिए, है ना, रेड येलो ग्रीन। रावल आपकी फोर लाइट्स नहीं होती है, थ्री लाइट्स होती हैं। आपने फोर कैसे बताया था? अच्छा, आपने देखिए जैसे कि ये पूरा क्या होता है, ये ब्लैक ब्लैक होता है, इसको भी आपने मान लिया? नहीं, इसको नहीं मानेंगे। ओके, हम सिर्फ इस लाइट्स को देखते हैं जो अंदर है ना, जो ग्लो करती है उसको, उसको फोकस करते हैं, ठीक है। तो रेड येलो ग्रीन याद रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ट्रैफिक रूल होते हैं जो हमको फॉलो करना चाहिए। पहले रूल्स तो हम लोग देख लेंगे, हम लोग को लाइट के अकॉर्डिंग चलना है, है ना, लाइट के अकॉर्डिंग चलना है, रेड पे स्टॉप हो जाना है, येलो पे रेडी टू गो हो जाना है और ग्रीन पे चलने लगना है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। शुरू शुरू में ही आपने हमको बता दिया कि हम लोग को किस साइड चलना चाहिए, लेफ्ट साइड चलना चाहिए। और रोड हमको कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए, फ्रॉम जेब्रा क्रॉसिंग, है ना, जेब्रा क्रॉसिंग से हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। आपने देखा होगा रोड के बीच में ऐसी कुछ लाइंस बनी होती है, है ना, ये क्या होती है, जेब्रा क्रॉसिंग, और हमको यहीं से रोड को क्रॉस करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो रोड के किनारे फुटपाथ बने होते हैं ना, उस पे लोग पैदल चलते हैं, ठीक है। अब ठीक, जब आप पैदल चल रहे हो, आपके पास कोई व्हीकल्स नहीं है, आप किसी भी साधन से नहीं हो, तो आपको कहाँ चलना है, उसी फुटपाथ पे चलना है पैदल, ताकि आप सेफ रहो, ठीक। और क्या करना है आपको ड्राइविंग करते हुए, क्या करना है, अगर आप कार से हो तो आपको सीट बेल्ट लगा के रखनी है, है ना। और क्या करना है, अगर आप टू व्हीलर से हो तो आपको हेलमेट लगा के रखना है ना, अपने सारे कार्ड्स आपको आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 18 इयर्स की नहीं हो तो आपको व्हीकल्स ड्राइव नहीं करनी है ना, ये सारे रूल्स सबको पता है, ठीक। और आपके पास ट्रांसपोर्ट का कार्ड भी होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, है ना, कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। और आपको अच्छे से सीख के तभी मेन रोड पे ड्राइव करना चाहिए, ओके। तो अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि कौन कौन से रूल्स हम लोग को फॉलो करने चाहिए। तो आप, आपका ये होमवर्क है, इसलिए आप लोग घर से लिख के ले आएंगे, आप लोग किसी की हेल्प नहीं लेंगे, किसी बच्चे में से चीटिंग नहीं करेंगे, है ना, नहीं आएगा तो हम तो हैं, आप हमसे पूछेंगे, ओके। तो आप लोग लिखेंगे क्या, फाइव रूल्स, है ना, फाइव ट्रैफिक रूल्स, फाइव ट्रैफिक रूल्स आपको लिख के ले आना है, है ना। जो मैंने बताया, जो आपने बताया, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो, आप अपने सेंटेंस में भी लिखोगे तो भी सही रहेगा, हमको बस उसकी मीनिंग चाहिए। आप अगर सही तरीके से लिख के लाए हो तो हम उसको करेक्ट मानेंगे, लेकिन फोर्सेस सभी लोग करेंगे, ओके, है ना। और रोड पे चलते हुए इस रूल्स को सिर्फ पढ़ के अपने दिमाग में नहीं रखना है, उसको फॉलो भी करना है ना, अपनी डेली लाइफ में यूज भी करना है, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, है ना। तो हम लोग को ट्रैफिक लाइट्स के जितने भी रूल्स होते हैं उसको हमें फॉलो करना है। तो इस तरीके से आप ट्रैफिक रूल्स को बच्चों को पढ़ाइए, वहां पे इंटरव्यूअर्स के सामने बताइए। आप कुछ और भी एग्जांपल्स लेके किसी अलग स्टोरी से बच्चों को बताना चाहते हैं, वहां पे इंटरव्यूअर्स के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप वैसे भी करिए। बस आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज होने मत दीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक मिलता है तो आप चेयर से उठेंगे, बोर्ड तक जाएंगे, है ना, तब तक उसके बीच में आपको कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट मिलेंगे, और क्योंकि आपको उस समय इतना एक्टिव रहना है कि तुरंत उन्हीं सेकंड्स के बीच में, जब आप चेयर से उठ के बोर्ड तक जा रहे हो, उन्हीं के बीच में आपको क्या कर लेना है, अपने टॉपिक को बना लेना, अपने दिमाग में स्टोरी क्रिएट कर लेना है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर इंटरव्यूअर्स ने हमसे कहा कि बोर्ड पे जाइए, आप हमको कुछ पढ़ाइए, अब वहां पे जाने के बाद अगर उन्होंने हमें टॉपिक दिया तो हम क्या करेंगे, तो भी हम क्या बच्चों से, उनसे कुछ बोलते रहेंगे ना, टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ अपनी बातें बोलते रहेंगे, और उसी में हम अपने दिमाग में स्टोरी भी बनाते रहेंगे, और तब जाके हमें इंटरव्यूअर्स को बताना है। तो अगर ये ट्रैफिक रूल्स, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू।